हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त गौरव और एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और भाई मैं सुबह उठ चुका हूं, सुबह उठा हूँ जल्दी 7:30 बजे और 3-4 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे। एक्चुअली मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था और बीच में थोड़ी सी बैटरी भी डाउन थी। बैटरी डाउन समझ रहे हो ना, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। बट व्लॉग रोज़ डालने की आदत तो होनी चाहिए। 2-3 दिन लगातार मिस हुए व्लॉग, मुझे जैसे कुछ अच्छा ही लग रहा। भाई बाहर उठते उठते नेचर को देख लो ना, इतना बदलता नेचर, मतलब समझ रहे होगे, पेड़ पौधे और चिड़ियाँ। तो 2 चिड़ियाँ यहाँ बैठी हुई है, ये देख सकते हो आप लोग, मस्त। बिल्कुल सूरज आया नहीं है, हल्का आ रहा है पर धूप आ चुकी है ऑलमोस्ट। नहीं भाई आ गया, इस साइड दिख नहीं रहा था मेरे को, देखो इनमें से रेस आ ही निकल के पेड़ यहाँ लग रहा है। सुबह सुबह की बात ही अलग होती है। और आपको बिल्कुल नेचुरल ना साउंड आ रहा होगा चिड़ियाओं का, सुन सकते हो आप लोग। और इस पेड़ में ना बहुत सारी चिड़ियाँ आई हैं हमारे। ये अनार का पेड़ है, इसमें ऊपर ना सुबह सुबह घर के बाहर देख सकते हो चिड़िया आ गई है मस्त। ये रही चिड़िया है और ऊपर काफ़ी सारी पेड़ में आपको चिड़िया दिखने वाली है। देखो अभी कम आ रही है गर्मी की वजह से, देखो आने स्टार्ट दे रही, मुझे उड़ जाती है। एक्चुअली उनको पता क्या डर लगता है, कभी कभी ऊपर तारों पर ना बाज और चील बैठी होती है तो मुझे लगता है कि कहीं को उठा के ना ले जाए। पर सुबह एकदम मस्त लग रहा है। हमारे घर पर आ चुका हूँ मैं, कड़ी पत्ता तोड़ के लाया हूँ फ्रेश और आज फिर से अपने लिए बना रहा हूँ मैं। मैंने चने भिगोए थे, वो भी हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो मूंगफली और चने भिगोए थे मैंने, तो भाई वही खाने वाले हैं। और ये ताजे ताजे एकदम फूल तोड़ के लाया हूँ मैं अभी, तो ये वाले ताजे वाले फूल हैं, वहाँ पर चढ़ाएंगे हम, पूरे फ्रेश फूल तोड़े हैं जल्दी इंस्टेंट। उस दिन का पूरा प्रोसेस हमने देखा था, दोबारा मैं सच्ची शेयर नहीं करूँगा, आज जल्दी से बना दूंगा अपने लिए बढ़िया से, जल्दी खाने वाले हैं। और उसके बाद कई बन के रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, देखो कितना बढ़िया मैंने बना दिया है। तो अभी ये खाते हैं और इसके बाद भाई आगे चलते हैं। अच्छा पूरा काम करना है मुझे ख़त्म, जोच के तो ना फिर एक भैया घूमने भी जाऊँगा, सारा काम करने वाले हैं। और बाहर बहुत ख़तरनाक धूप हो रही है, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:30 और बड़ी ख़तरनाक धूप, आप लोग देख सकते हो कितनी ख़तरनाक वाली धूप आ रही है, पूरी भाई पूरी धूप ही धूप है, टेम्परेचर बहुत। हेलो भाई, तो मैं बाहर से आ चुका हूँ भाई, को थक गया मेरे से अगर देख सकते हो, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, पर मुझे जाना था, मुझे अर्जेंट काम था, सारा काम ख़त्म कराया है। तो बस वाला लंच करते हैं, लंच में देखते हैं क्या बना है। तो गाइस मस्त लंच आ चुका है, लंच के अंदर है कड़ी पकोड़ा और साथ में चावल, तो कड़ी चावल है, रोटी है, यही खाते हैं और उसके बाद सोऊंगा 2-4 घंटे दबा के, भाई थक चुका मैं। तो गाइस अभी कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ, टी शर्ट पूरे पसीने में हो रही थी मेरी, अभी चेंज कर लेता हूँ, पूरे दिन काम वाम करा थक गया मैं, तो अभी सोसा के उठा था, एक जगह काम था वो भी सारा ख़त्म करा। और अब मैं पहनने वाला हूँ एक टी शर्ट अपनी धुली हुई बढ़िया सी, वो टी शर्ट पहनते और जा रहा हूँ कल बनाने वाले हैं मस्त वाला ब्रेकफास्ट। तो सैंडविच के लिए कुछ सामान लेके आने हैं, और लिप्स लेके आनी है, 2-3 चीज़ें और लेके आने वाले हैं, तो बढ़िया सैंडविच बनाएंगे, तो उसके सामान लेने जा रहे हैं। तो मैं एक जगह पर स्टोर है, वहीं लेके जाऊँगा मैं आपको, स्टोर है, चलना मेरे साथ आप लोग, मतलब वीडियो। मस्त चाय और बिस्किट आ चुके हैं, बिस्किट मैं जो खा रहा हूँ ये खा रहा हूँ, तो बिस्किट सही रहता है, फाइबर भी रहता है इसके अंदर, लेस शुगर रहता है, इसलिए मैं एक हेल्दी बिस्किट यूज़ कर रहा हूँ। बट चाय हेल्दी नहीं होती, बट मन कर रहा था इसे थोड़ी सी मैं पी रहा हूँ, और आप लोग चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, आपके ऊपर। इस भैया की शॉप पे आ गए हैं, इनसे लेते कुछ सब्जियाँ, तो सब्जी एकदम ताज़ी है। मम्मी ने डांट डांट के मुझे बोल दी थी ग्वार की फली लेना, और बिल्कुल फ्रेश मिल गई है, देखो ग्वार की फली चलाई भी है, बट चलाई नहीं लेना मैं, अभी ख़राब हो जाएगी, ग्वार की फली खरीद लेता। और वैसे कुछ खरीद लेना, हरी मिर्ची और ले लेता हूँ साथ में। भैया कर देना 300 ग्राम कर दो, मैंने और ले लिया है। पीछे तो काफ़ी शोर आ रहा है, लग रहा है ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, इसलिए शोर आ रहा है। और मार्केट में ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, हल्की फुल्की भीड़ है इस वक्त, आप लोग देख सकते हो। काफ़ी दिन बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना मैं, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अगर आप कोई भी चीज़ छोड़ दो ना इसमें 3-4 दिन, तो थोड़ा सा आपको अजीब सा फील होता है, बट कोई नहीं, एक दिन बाद मैं दोबारा से गर्म हो जाऊँगा, मतलब ब्लॉगिंग कर लूँगा इसलिए। तो नॉर्मल दे दो, मीडियम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई भैया की बहुत याद आ गया, चने भी ले लेते हैं इनसे, चने और मीठे वाले अलग अलग लूँगा आज मैं इनसे, देखो मस्त लेते हैं। मूंगफली तो भैया स्वाद नहीं आएगा ना खाने में, भाई मूंगफली लेने का मन तो करो, स्वाद नहीं आएगा, अभी गर्म ज़्यादा होती है। देसी वाला चना दे दो, देसी वाला, देसी वाला, देसी देसी, टेस्टी नहीं देसी, मैं बोलो देसी चना भैया, टेस्टी वाला नहीं देसी वाला, देसी मीठे वाले कर देना खीर, भाई दोनों को मिला के खा लो, भूख लगती है ना मेरे को, तो ये सही है, अलग अलग करना, मिक्स मत करना। तो भाई तो हेल्दी चीज़ है, ये खाना चाहिए आप लोगों को, देसी है ये, और ये वाला मसाले वाला है, चलिए यही ले। आज ना सारी पेमेंट कैश करने वाला हूँ मैं, मेरे पास कैश आया हुआ है, मतलब ये नहीं बहुत सारा आया, कुछ मतलब एक बंदे को देने थे कुछ पैसे, तो मैंने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर उसे कैश दिया, तो थोड़ा सा वो खर्च हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया है। तो भाई ये भी करा लिया,
तो भाई अभी ना गुलाब के फूल और लेते हैं बिल्कुल फ्रेश कल सुबह के लिए, क्योंकि फूल अच्छा आ नहीं रहे इस वक्त। भैया एक माला दे दो और 10 रुपये गुलाब के फूल दे दो। चमेली वाले फूल है वाइट भाई, यही दो चीज़ें हैं भैया, भाई ये ले लेते हैं। खाला सुबह तक टूटेंगे तो नहीं ना, पति तो नहीं बनेंगे, फ्रीजर में डाल दूंगा ना भाई। जब इन लोगों को कैश दो तो खुलने का पंगा है, सबसे बढ़िया ऑनलाइन ही है मेरे को लगता है, वैसे बेस्ट है भाई। आजकल ना दो तीन चीज़ें मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट में, तो बड़ा पाव की स्टॉल इतनी फेमस हो गई है ना, मैं भी देख रहा था बाजार में, मतलब चंद्रिका जी जो है ना ट्रेंड लेकर के आई है मार्केट में बड़ा पाव का, बहुत सारी भाई मार्केट में बड़ा पाव की स्टॉल्स लगी हुई है। मैं अभी ना मतलब आपको बाद में दिखाऊंगा, मैं आगे नहीं, बढ़िया पार्किंग करके जाना बंदा है, कोई आगे नहीं जा सकता इसके चक्कर में, वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ भाई ऐसे गाड़ी लगा के रखा है पार्किंग, मुझे यहाँ जाना है। तो गाइस मैं इसके अंदर आ चुका हूँ सुपर मार्केट के अंदर, और भाई मैंने ले ली टोकरी, अब इसको भरना बाकी है, लेने से कुछ नहीं होगा, इसमें आने से कुछ सामान तो लेना ही पड़ेगा। बट मैं लेने आया हूँ यहाँ पे सैंडविच के लिए सामान मॉर्निंग में, यहाँ पे देखता हूँ फ्रोजन का आइटम कहाँ रखा है, वो सारा सामान खरीद लेते हैं। बट भाई यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, पीनट्स है, कुकीज़ की सारी लगी हुई है भाई साहब, भाई साहब कुकीज़ देख रहे हो आप, सारे पूरी कुकीज़ भरी हुई है यहाँ पे, देखो बाय वन गेट वन फ्री, देखो ओन MRP, और अब MRP का मतलब समझ जाओ यार, MRP का मतलब यही होता है कि अगर एक चीज़ 1000 रुपये की है ना, तो जब जाके 2 मिलेगी आपको, मतलब वो ऑलरेडी महंगा होता है, ऑलरेडी एडिड होता है सर प्राइस दोनों चीज़ों के। यहाँ पे क्लीनिंग का पूरा सामान मिलने वाला है आप लोगों को, देखो हम लोगों को फ्रोजन का आइटम लेना है, पूछता हूँ भाई वाला आइटम कहाँ मिलेगा, ऑलिव्स चाहिए, ऑलिव्स मिल जाएगी, लिक्विड वाली ऑलिव्स जो आती है भाई पूछ लिया इनसे, सीधे चले जाओ वहाँ मिल जाएगा। लिज्जत पापड़ ले लेता हूँ मैं, ये थोड़ा हम लोग खाते भी है, बट यदि पहले कौन सा लिज्जत पापड़ है, कोई नया आ रहा है आजकल, हर चीज़ की दो वैरायटी आने लग गई है मार्केट के अंदर, जैसे जीरा वीरा लगाओ ये तो खाते नहीं हम, दूसरा खाते हैं, पूछता हूँ भाई। यहाँ पे सारे ना पापड़ ही पापड़ मिलेंगे आप फिलहाल के लिए, इसे ट्राई करेंगे, जीरा लगा हुआ है इसमें, पता नहीं कौन सा है ये, इसमें लिखा है जीरा पापड़ वाला वहाँ लिज्जत वालों में। मस्त ले लिए मैंने, मैं ले लिया है सोया ग्रैनुल्स, मतलब कि ये पता ही है ना आपको चूरा आता है सोयाबीन का, वो ले लिया मैंने एक अपने लिए। लिज्जत पापड़ मैं नहीं ले रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इसे लेके, घर वाले और डांटेंगे मेरे को, पर डांटेंगे तो नहीं, पर कोई टेस्ट नहीं आया क्या फ़ायदा, इसमें से मुझे टी कोई ख़रीदनी नहीं है। और एक पैकेट सूजी ले लेता हूँ गाइस, क्योंकि ये भी सूजी की चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ ना मैं हेल्थ के पर्पज़ के लिए, भी बढ़िया चीज़ है, एक मिली मैंने सूजी भर ली, दो तीन आइटम और ले लेता हूँ, एक अच्छी चीज़ और खरीदता हूँ, इसमें पूरी चाय पत्ती आपको मिलने वाली है गाइस। यहाँ पे हनी देखो, कितने सारे अलग अलग वैरायटी के हनी रखे हुए हैं इन लोगों ने, देखो बढ़िया डावर वाले हनी तो बोलते हैं कि हनी अच्छा है, बट उसके अंदर ना चीनी वीनी भरी रहती है, ऑलरेडी नीचे ना भर जाता है, मैंने देखा हुआ। यहाँ पे पूरा आपको पिज़्ज़ा वाला सामान मिलने वाला है, सैंडविच का पिज़्ज़ा का, तो यहाँ पे मेरे को सामान कुछ खरीदना है वो मैं ले लेता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी कल के लिए। ऑलिव्स देखो मिल गई, तो भाई मैं स्पेशली ये लेने आया था, थोड़े खाने में इसका टेस्ट बढ़िया आता है, एक ब्लैक ऑलिव्स है एक ये वाली है, तो भाई मैं ये ले लेता हूँ, ये देखो ये मैंने ले लिया एक, ये बेस्ट है। और भाई इन्होंने कुकुम्बर लगा रखा है देखो, इसके अंदर सिक्की के अंदर लगा रखा था इन लोगों ने भाई, इसके अंदर इन्होंने भर रखा है कॉर्नफ्लेक्स, तो ये कॉर्नफ्लेक्स की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। हाँ जी गौरव ब्लॉग्स, हम आ जाएंगे उस पे, वो तो आपकी मर्जी, हम जैसे लेते नहीं है, कोई कल को ऑब्जेक्शन करे, अगर आप बोलोगे मेरी वीडियो डाल दो तो मैं डाल दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं, ऑब्जेक्शन भी कर देते हैं। अगर मैं ऐसे नया सर आपकी वीडियो बनाऊंगा, आप बोल दो मेरी वीडियो में क्यों ले रहे हो मेरे को, कितने हुए आपके सब्सक्राइबर, मेरे तो अभी 160 प्लस है, नया हो ना, नया चैनल बनाया है, तो भाई इसके अंदर मैं ले लेता हूँ। मैं सोच रहा कि उसने मिस्टी में ले लिए, वैसे कैलॉक्स की बेस्ट है ये, ऑफ MRP देखो मिल रही है, अब पता नहीं जब बिल कट के हाथ में आया पता चला, एक बंदा ही दो बंदे आए मेरे से बोलते हैं ब्लॉगर, और मैंने लगा यूट्यूब बनाते हैं, करे हमारी वीडियो में ले लोगे, मैं भाई ले लेंगे। ले ली मेयोनीज, देखो ये मेयोनीज की क्वालिटी बेस्ट है, छोटा जैम ले लिया मैंने, ये बेस्ट है इसे खाने के लिए अभी,
फिलहाल बुनी है। मैं जो कोरियन वाली नूडल्स होती है ना, जैसे कोरियन नूडल्स होती है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, वो ढूंढ रहा हूँ कैसे मिल गई ना, वो खा के देखेंगे बताएंगे वो कैसी है। मुझे लग रहा है ऐसे यही होगी, हॉट एंड स्पाइसी चिल्ली पेपर यही होगी, इस नेम से आ रही है। तो ये एक लेके देख रहा हूँ मैं, ट्राई करके देख रहा कैसा टेस्ट है, कितनी ज़्यादा तीखी है। मुझे लगता है यही होगी कोरियन नूडल्स मेरे हिसाब से, तो भाई ट्राई करेंगे। अभी इतना सामान तुम्हारे भाई ने भर लिया है, और भाई घर में गाली पड़ रही है दवा करके कि तो सामान क्यों भर के लेके आया, मतलब डाउट हो रहा है कुछ पता नहीं है। भाई पेरी पेरी पास्ता भाई ये मस्त चीज़ है, बट यार थोड़ा सा ये सच्चे तो मैं खुद ही बना लूँगा घर पे, दो पैकेट ले लूँगा बीट पास्ता के, वो सबसे बेस्ट है, खुद बनाएंगे मिल जाएगा मुझे इसमें बीट पास्ता भी। बस मैंने अपने हिसाब से ले लिया, मुझे लेना था पता नहीं क्या चीज़ है इसके अंदर, अभी वो चीज़ और लेनी है, एक तो स्प्रेड चीज़ लेने वाला हूँ, एक लिक्विड चीज़ आती है गाइस वो लेने वाले हैं, और एक अच्छी चीज़ और देखता हूँ जो मुझे लेने की है ना, वो और लेने वाला हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है तो। पूरा सर्फ का काउंटर है, पूरा कॉस्मेटिक का सामान लगा, मेरे तो कुछ मिलना नहीं है इसमें से, और मुझे लेनी चीज़ तो बोल रहे हैं फ्रिज में मिलेगी, वही देखते हैं। देखो मशीन में पूरा आपके कपड़ों के लिए पूरी चीज़ें मिलने वाली है ईजिली। भाई ये सब चीज़ें ना मैं यूज़ कम ही करता हूँ, मतलब आपको तो पता है कितना करता हूँ मैं, है ना, बट ये मेरे अभी किसी काम का नहीं है, यहाँ पे मेरे पे ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। चलो भाई कोई नहीं, फिर देख रहे हो आप लोग 7 गेन ब्रेकफास्ट कुकीज़, भाई कुकीज़ है सारी, देखो अलग तरीके की मैंने बना रखी है, और 15% ऑफ स्ट्रॉबेरी है, ये ड्राई एप्रिकॉट है, तो मैं तो मिक्स वाला लेने वाला है, तो भाई मैंने ये ले लिया सीड्स एंड बेरीज मिक्स, इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट है सारी चीज़ें मिलने वाली, तो ये ले लिया सीड्स एंड नट्स पूरा मिक्स ले लिया, तो बेस्ट रहता खाने में। भाई इसमें ना मैं सोच रहा एक चीज़ ट्राई करूँ, वेज बर्गर पैटी है, क्योंकि मैंने ये ट्राई करा हुआ है, ये ट्राई करा हुआ है, समोसा भी ट्राई करा हुआ है, समोसा कभी ट्राई नहीं करा तो वही लेता हूँ, ऐसा करता हूँ समोसा लेता हूँ चीज़ कॉर्न वाले, ये खा के ट्राई करेंगे। नहीं यार वेज फिंगर ये बेस्ट है तुम्हारा, भाई ये लेने वाला है, ये यूज़ करता हूँ, बताऊँगा आपको। मैंने मतलब एक्चुअली मैंने ना हमारे घर पर ऑलरेडी ना ब्रेड पड़ी हुई है, नहीं तो मैं इसमें से जरूर लेकर के जाता। ये देखो पाव भाजी वाला है, ये होल वीट का, मतलब पूरा वीट का है, मैदे का नहीं है, ये सारी चीज़ें बढ़िया ने लगा रखी है। भाई ये मस्त चीज़ है भाई, रोल देखो रैप करने वाले, भाई रोटी बनी बनाई आ रही है फ्रोजन वाली सारी चीज़ें, टोफू आपको इजली अवेलेबल हो जाएगा, देखो ज़रा। तो मैंने तो एक ले लिया, 2-3 दिन चल जाएगा, चेक कर ले तो 2 दिन चल जाएगा, 6 जून का आएगा ये, 25 दिन तक चलेगा, मतलब एक महीना पूरा इसलिए चल जाएगा, बस यूज़ कर लेंगे। टोफू बढ़िया वाला ले रखे हैं, सोया मतलब सोया पनीर, तो ये ले लेते हैं। और भाई हैप्पी ये भी आपको मिलने वाला है, ये पता क्या चीज़ है, योगर्ट है, ये भी हेल्दी होती है, तो सारी चीज़ें मैंने अच्छी चीज़ें ले ली है, मेरे लिए 10 चीज़ें ले ली है, तो मैंने एक बड़ा पैकेट ले लिया, इसमें डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है। वीट पास्ता ही मिल गई इसलिए ये और 2 पैकेट ले लेता हूँ मैं। तो गाइस सैंडविच के लिए ना खीरा रह गया था, कुकुम्बर वो और ले लेता हूँ मैं, तो भैया कह रहे देसी है, पता नहीं यार मैं पसंद नहीं आ रहा, देसी छोटे छोटे रहते हैं वैसे तो, और बंद गोभी है नहीं इन पर, बंद गोभी कहीं और से लेता हूँ अभी। गाइस अभी ना एक बंदा यहाँ पे फ़ोन छीन के भागा, ये भैया जा रहे हैं ना पुलिस वाले, ये एक पुलिस वाले भैया रिक्शे में, भाई बंदे को पकड़ के बकायदा दोबारा पकड़ के ले गया, मैं देख रहा पुलिस कितना बढ़िया काम कर रही है इस एरिया में, अभी ले गए उसे चौकी पे, अब ढंग से उसकी वाट लगाने वाले हैं। तो गाइस घर पे आ चुका हूँ, और अब देखते क्या बोलते हैं लोग, अभी तो डिनर करेंगे, सुबह बनाएंगे जो बनाएंगे मस्त वाला, अभी वो जो ऑर्गेनिक ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ रख के भूल गया हूँ मैं, वो सब ढूंढूंगा। बैठे हुए हैं अब जिंदगी के मज़े मार रहे हैं, दिखाते हैं आपको, आपने देख लिया होगा, मैं रूम करके दिखाता हूँ, देख लिया होगा आप लोगों ने, और मम्मी आटा गूंद रही है और पापा परहेज कर रहे हैं मस्त वाली, तो मस्त परहेज हो रही है भाई, गर्मी क्या चीज़ जैम, तो ये दूसरा लाया हो ना, वो तो बेकार हो गया, पुराना हो गया जिनका, ये दूसरा यूज़ के छोटी तो लाया हो, इसलिए ज़्यादा महंगी थोड़ी ना, 30-40 रुपये की है छोटी सी, 80 रुपये की है छोटी सी है, लग रहा है गर्मी में रोटी बनाते हुए आफत आ रही है, आफत आ गई वाला पहाड़ियों के दम।
तो गाइस मस्त वाला डिनर आ चुका है। डिनर के अंदर है आलू की सब्जी, बहुत दिनों बाद खा रहे आलू की सब्जी, तो बढ़िया लगने वाली है। जीरे वाली बना रखी है हमने, और भाई कढ़ी पकौड़ा है, कढ़ी ये मैं थोड़ी सी ली है, और भाई साथ में रोटी। तो ये सारी चीज़ें खाते हैं मस्त। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भाई अभी रोज़ व्लॉग आते रहेंगे, और आपको हर दिन एक नया व्लॉग मिलेगा, बढ़िया तरीके से मिलेगा, और हर व्लॉग आपको पहले के मुकाबले बेटर मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।